नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वंदना। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के समय नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सभी दलों के पार्टी जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। हालांकि सभी पार्टियां जो है वो चुनावी रणनीति में लगी हुई है। बीजेपी अपना चुनाव प्रचार कर रही है, जेडीयू अपने तरफ से चुनाव प्रचार में लगी हुई है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार एनडीए के सरकार पर हमला बोल रहे हैं। आज फिर उन्होंने नीतीश कुमार को चुनौती दी है। उन्होंने एक आरजेडी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पूछ रहा है बिहार कहाँ है नीतीश कुमार। इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता और साथ ही गोह विधानसभा क्षेत्र के विधायक मनोज कुमार शर्मा। सर, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? तेजस्वी यादव लगातार एनडीए की सरकार पर हमला है बोल रहे हैं। सर, देखिए, तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी ये प्रबंधन शब्द को न जानती है न समझती है। ये लोग कुप्रबंधन में विश्वास रखने वाले लोग हैं, क्योंकि ये चाह के भी प्रबंधन कर नहीं सकते हैं। इसलिए कोई बेहतर तरीके से, कोई योजनाबद्ध कोई कार्य हो और जिसे ये करने में हमेशा से असमर्थ रहे हैं, तो वो इस तरह का आरोप लगाता रहना उनकी आदत में शुमार है, उनकी पार्टी की आदत में शुमार है। इनके पास में ना राजनीतिक प्रबंधन की शक्ति है, ना प्रशासनिक प्रबंधन की शक्ति है, ना वित्तीय प्रबंधन की शक्ति है, जिसका परिणाम है कि आज इनके सबसे बड़े नेता कारागार में हैं और जो नेता बचे पड़े हैं वो हताश हवास हैं कि ये प्रबंधन की जो तकनीक के इनके विरोधियों के पास में और हमारी एनडीए गठबंधन के पास में है, इनके पास ये चाहकर, क्योंकि ये चाहते तो है ही नहीं, लेकिन इस प्रबंधन को ये देख नहीं पाते हैं, इसलिए हताशा में ऐसी बातें बोलते हैं, ऐसे कदम उठाते हैं। आज फिर उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को पूरे 90 दिन हो गए हैं और अब तक वो क्वारंटाइन से बाहर नहीं निकले हैं। अगर 24 जून को 100 दिन पूरा हो जाता है और इस बीच में नीतीश कुमार बाहर नहीं निकलते हैं, तो वो ढोल नगाड़ों के साथ उनको बाहर निकालने का काम करेंगे। लोगों को वो इस पे अपने तरफ वो खींचना भी चाह रहे हैं कि इसमें लोग भी सहयोग करें। असल में इन्होंने जो बचपन से जो मुख्यमंत्री आवास और मुख्यमंत्री कार्यालय और सचिवालय देखा है, तो मैंने पहले भी कहा कि प्रबंधन तो देखा ही नहीं है, प्रबंधन पे विश्वास ही नहीं है इनको। तो ये तो मुख्यमंत्री आवास को एक समझिए कि तमाशा घर के रूप में इन्होंने देखा है, इसलिए उन्हें लगता है कि कोई मुख्यमंत्री अपने कार्यालय से अगर काम करता है तो ये क्या हो रहा है। इन्हें तो 90 का दशक याद होगा, अपना बचपन याद होगा, जब मुख्यमंत्री आवास में ढोल बाजे नगाड़े बजते थे, लोग नाच होते थे, नर्तकियों के लौंडों के नाच होते थे। तो ये देखने की जिनकी बचपन से आदत रही है, तो एक के मुख्यमंत्री आवास और सचिवालय में अगर बेहद संजीदगी पूर्ण लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए कोई कार्य हो रहा हो, तो इनकी बेचैनी होना स्वाभाविक, इनका बेचैन होना स्वाभाविक है, इसलिए इनकी बेचैनी में इनका हताशा झलकता है। उन्होंने एक और भी सवाल खड़ा किए हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से अभी देश के हालात हैं, तो एनडीए की सरकार को थोड़ा और इंतजार कर लेना चाहिए। अगर इस बार चुनाव होते हैं तो बिहार में लाशों के ऊपर चुनाव होगी, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इनको ना कोर्ट पे विश्वास है, इनको ना मिलिट्री पे विश्वास है, इनको ना चुनाव आयोग पे विश्वास है। इनकी कई आप पीछे के वक्तव्यों को देखें तो मुझे लगता है कि कोर्ट को इनसे पूछ के कोई निर्णय देना चाहिए, चुनाव आयोग को इनसे पूछ के निर्णय लेना चाहिए कि कब कहां चुनाव कराए जाने हैं या न कराए जाने हैं। अगर चुनाव आयोग चुनाव की तैयारी कर रहा है, तो एक राजनीतिक दल के हैसियत से हम लोग का भी दायित्व है कि हम भी उस चुनाव की तैयारी करें। और चूंकि राष्ट्रीय जनता दल में मैं बार बार प्रबंधन शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, क्योंकि इनके पास में केवल कुप्रबंधन ही कुप्रबंधन है, इसलिए नई परिस्थितियां के लिए बिल्कुल इनके पास में वो क्षमता ही नहीं है कि वो अपने आप को उस अनुरूप में तेजी से ढाल सके, इसलिए ये बार बार आरोप लगा रहे हैं। और चुनाव आयोग, इनको चाहिए तो चुनाव आयोग में चिट्ठी लिखे, चुनाव आयोग के साथ में बैठे, लेकिन इस तरह के आरोप लगाकर किसी आप संवैधानिक और जो भारत की जनता की जो अधिकार की जो प्रक्रिया है उसे आप बाधित नहीं कर सकते हैं। चुनाव आयोग अगर समय से चुनाव कराने का निर्णय लेगा तो हम लोग उसका स्वागत करेंगे, और अगर वो चुनाव आयोग ऐसा समझती है कि अगर चुनाव आगे कराए जा सकते हैं तो
तो उसका भी हम लोग स्वागत करेंगे, लेकिन उस परिस्थिति में हम ऐसा तो नहीं करेंगे कि हम अपनी तैयारी ही ना करें। इसलिए एक राजनीतिक दल के हैसियत से हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं जी। कांग्रेस भी बीजेपी पे हमलावर है, उनका कहना है कि जिस तरह से प्रवासियों के साथ में केंद्र सरकार और राज्य सरकार उन अपमान करने का काम की है, तो वैसे हमारे पास इस साल के चुनावी साल में काफी मुद्दे हैं, इस मुद्दे को लेकर के हम एनडीए को हराने का काम करेंगे, इसको आप क्या, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, लॉकडाउन के शुरुआत के बाद जो प्रवासियों की समस्या आई, अब तो प्रवासियों कहना ही शब्द उचित नहीं होगा, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने और कई हमारे दल के नेताओं ने इस शब्द पे आपत्ति जताई है, क्योंकि हम अपने देश के ही अंदर थे। तो हर जगह केंद्र की सरकार ने काफी त्वरित कदम उठाते हुए, राज्य सरकारों ने काफी त्वरित कदम उठाते हुए, और साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी के लगभग पूरे देश में जो कार्यकर्ता और उनके विचार परिवार से जुड़े हुए जितने भी कार्यकर्ता हैं, जिस हिसाब से सेवा भाव किया, हाँ निश्चित तौर पर कुछ परेशानियां आई, लेकिन जिस हिसाब से श्रमिक स्पेशल ट्रेन को चलाया गया, बिहार सरकार से प्रवासियों को 1,000 रुपया त्वरित मदद की गई, उसके बाद जो प्रवासी आए उनका रजिस्ट्रेशन कराया गया, उन्हें बेहतर सुविधा के साथ में क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया, उन्हें आगे उनकी रोजगार की कैसी व्यवस्था हो उसके लिए मनरेगा में कार्य दिवस को बढ़ाया गया, मजदूरी का दर केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ाया गया, उसके साथ साथ में कैसे हम रोजगार और उत्पन्न करें उसके लिए उनकी जो स्किल मैपिंग कराई गई, तो कई ऐसे कार्यक्रम प्रवासी भाइयों के लिए जो हम कहते आए हैं कि वो मजदूरों को, अपने भाइयों को प्रवासी के रूप में, उनके लिए सरकार ने काफ़ी संजीदगी से कई कार्यक्रम चलाए। गरीब कल्याण जो पैकेज नरेंद्र मोदी जी ने घोषित की, और जो 20 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर भारत का जो पैकेज जिसकी घोषणा हुई है, उसे अमल में आते आते मैं समझता हूँ कि प्रवासी मजदूर भाइयों की लगभग सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। 9 सीटों पर बिहार विधानसभा परिषद के चुनाव होने वाले हैं सर, किस तरीके की तैयारी चल रही है? ये सामान्य तैयारी है, जो 9 सीटों पे जो विधान परिषद के चुनाव होने हैं, जो जैसे पहले राजनीतिक दल जिस पे निर्णय लेते थे और जिस हिसाब से उसकी तैयारियां होती थी, उसी हिसाब से तैयारी चल रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने सुन लिया कि क्या कुछ कहें, अगर आपको इनकी बातों में दम दिखे तो इस खबर को खूब शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, आपका सहयोग समर्थन लगातार सिटी पोस्ट को मिल रहा है, आगे भी बनाए रखिए, साथ ही सिटी पोस्ट का फेसबुक और ट्विटर दोनों को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, धन्यवाद।